आज हम रिपेयर करने वाले यामा R15 का फ्रंट चॉकर। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लीकेज हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये एक चॉकर सही है, ये वाला इसका चॉकर लीकेज हो चुका है। आप देख सकते हो ये सिर्फ लीकेज कर रहा है, तो इसे कैसे रिपेयर करते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले इसका व्हील खोल लेंगे, उसके बाद ये मडगट का एलंकी, ये मीटर सेंसर का बोल्ट जो यहाँ पर वायर का क्लैंप लगा है वो वाला, एक ये अंदर बोल्ट है इसे लूज़ करेंगे, और ऊपर ये एलंकीज है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ है, इसे लूज़ करके शॉकर बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए मैं खोल के शॉकर बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। चलिए तो ये शॉकर मैंने निकाल लिया है नीचे, और अब इसे खोल लेंगे। ये टाइट है, तो मैं इसे पाइप का जो वाइस आता है, जो जिससे पाइप की चूड़ी बनाते हैं, वो वाइस है मेरे पास, तो उसकी मदद से मैं खोलूँगा। चलो मैं दिखाता हूँ मैं आपको। ये है मेरे पास पाइप का वाइस, तो मैं यहाँ पर इसमें टाइट कर लूँगा। ब्राउनीज के रिंग पाने को लगाकर इस तरीके से ये नट खुल चुका है। इसमें से एक वॉशर है, यहाँ पर ओरिंग है नट में। अब इसे मैं खोल लेता हूँ, वाइस में से बाहर निकाल लेता हूँ। अब इसमें से ये पाइप है, तो सामान सब मैं इसमें डाल देता हूँ पाइप को, और एक वॉशर और निकला हुआ है सकते हो, और ये इसका स्प्रिंग है। इसे धीरे धीरे निकालना, अंदर थोड़ा बहुत ऑयल है, तो सारा ऑयल गिर ना जाए, ऐसे तो ऑयल नया ही डालेंगे हम, लेकिन निकालते समय जाए। ये जो छोटा राउंड है वो अंदर की साइड जाएगा, और ये बड़ा वाला है ये ऊपर की साइड है, इसमें गैप्स कम है, उसमें गैप ज़्यादा है। अब इसका ऑयल निकाल लेता हूँ। चलिए तो अभी ये मग में शॉकर का ऑयल निकाल लेंगे सारा। ये ऑयल हमारा सारा निकल चुका है। अब मेरे पास इसको खोलने वाला पुलर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इस रोड को रख के यहाँ मारूंगा, इस पर हथौड़ी मारूंगा, तो इसका बोल्ट लूज हो जाएगा, और उसकी मदद से मैं इस एलंकी की मदद से, ये देख सकते हो ये एलंकी है, इसकी मदद से 8 mm की एलंकी की मदद से मैं इसे घुमाकर पाइप निकाल लूँगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ। ये हमारी, अब मेरे पास ये बुलेट के जंपर का पुलर है, ये तो इसका नहीं है, लेकिन हल्का सा ये अगर पकड़ेगा तो ये पाइप हमारा अंदर से बाहर निकल जाएगा, तो इसे मैं इसकी मदद से निकाल लेता हूँ। इसे हल्का सा दबाऊंगा तो शायद थोड़ा सा फंस जाएगा, तो ये निकल जाएगा। देखिए ये निकल चुका है, ये बोल्ट भी बाहर आ चुका है। निकाल लिया है, अब ये रोड देख सकते हो। अभी इसके माप का मैं कोई बोल्ट ले लूँगा, तो ये साइज़ में अगर कोई बेल्ट बोल्ट मैच हो जाता है तो ये भी लग जाएगा, और नहीं लगे तो मैं कहूँगा ठीक है। चलो ये सब निकाल लिए असेंबली, ये स्प्रिंग निकालना है, और इसका जंपर सील कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए निकालते हैं, चलिए पहले लॉक निकाल लेते हैं। ये लॉक निकाल लिया है, अब ये सील को निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने ये
कूलर बनाया हुआ है, देख सकते हो। तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से फंसाएंगे और फिर इस तरीके से फंसाने के बाद इसे इजीली निकाल लेंगे। देख सकते हो कितना इजी निकल गई। इसके अंदर इसे अच्छे से क्लीन करके फिर वापस सील फिट करेंगे। ये सील मैं मार्केट से परचेस कर लेता हूँ और फिर इसे फिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं लेके आता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। चलिए तो अभी ये HTA की सील है, ये 45 रुपीज़ की मिली है मार्केट में मुझे। तो अब ये सील को हम इस बॉटम में डालेंगे और ये कट मार के मैंने बनाया हुआ है। ये बुलेट की लॉक प्लेट है क्लासिक की, इसे मैंने यहाँ से कट मार के ये पार्ट भी कट मार के बनाया हुआ है। तो इस तरह रखेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से ये अंदर प्रेस हो जाएगी। और चलिए अभी मैं इसे प्रेस करने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए प्रेस हो चुकी है। अगर आपके पास ये ना हो तो इसकी जो पुरानी वाली सील है इसके ऊपर रख कर कि आप इसे हथौड़ी से बैठा सकते हैं, और ना हो तो फिर कोई आपके पास कोई बॉक्स पाना वगैरह हो ये साइज़ का, इससे थोड़ा छोटा वाला जो इजी इसमें जाता हो, उसकी मदद से भी आप सील बैठा सकते हैं। चलिए अभी ये सील हमारा बैठ चुका है, अभी हम इसमें लॉक लगा देंगे। तो ये इसका लॉक है, इसे लगा देते हैं इस तरीके से। ये लॉक लग चुका है, अब हम इसकी जो सील है इसे क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि थोड़ा बहुत कचरा वगैरह लगा हो निकल जाए। अब मैं इसका जो पाइप है इसे लगाएंगे, दिखाता हूँ इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं, क्या क्या लगाना है। हाँ, और दूसरी बात, अगर कोई मैकेनिक भाई के पास इसका कूलर ना हो तो इसे कैसे बनाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें खांचे दिए हुए हैं, तो ये जो नट है ये बुलेट क्लासिक की साइड लाइट की नट है। इसमें आप सलिया वगैरह वेल्ड करके लंबा रेडी कर लीजिए और इस यहाँ पर इस तरीके से इसमें लॉक हो जाएगी और ये आपका शॉकर इजीली खुल जाएगा। अगर ये ना हो तो कोई एलेंकी हो ये साइज़ का, तो एलेंकी लेके उसे कट करके भी आप इसका पुलर बना सकते हो। चलिए तो अभी ये असेंबली को फिट करते हैं। इस रोड में ये इसे स्प्रिंग डाल देना है और ये पाइप के अंदर इस रोड को इस तरीके से डाल देना है। यहाँ से हमारा रोड बाहर निकल चुका है, अब इसे कैप को आगे रख देना है इस तरीके से, इसे लगा देना है। अब ये जो डस्ट कैप है इसे भी हम लगा देंगे पाइप के अंदर इस तरीके से। और जो ये हमारा शॉकर पाइप है जो बॉटम है इसे हम ये पाइप के अंदर डाल देंगे, लेकिन उससे पहले इसमें हमें कूलर लगाना है ताकि ये रोड जो है अंदर ना चला जाए। तो कूलर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो बुलेट का पड़ा है उसकी मदद से मैं रोड को अटका के रखूँगा। अब इसमें मैं ये बॉटम डाल देता हूँ इस तरीके से, ये बॉटम को इसमें लगा दिया है और इसका जो एलेंकी बोल्ट निकला था पुराना वाला उसे इसमें डाल के टाइट कर लेंगे। अब इसे टाइट कर लेता हूँ, याद रखिए इस नट को फुल टाइट करना है, अगर लूज रहेगा तो नीचे से वही लीकेज करेगा। कूलर तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं इसकी मदद रॉयल एनफील्ड का जो मेरे पास जंपर खोलने का कूलर है उसकी मदद से मैं टाइट कर लेता हूँ। ये मैंने शॉकर टाइट कर लिया है,
इसका जो कूलर था वो निकाल लेता हूँ। अब एक बार इसे पाइप को साफ कपड़े से क्लीन कर लेंगे। और जब भी आप शॉकर बनाए तो याद रखिए कि पाइप के ऊपर कोई स्पॉट या स्क्रैच बड़ा ना होना चाहिए, नहीं तो ये पाइप आपका लीकेज होता ही रहेगा। अगर ऐसा हो तो ये पाइप चेंज कर दीजिएगा आप। चलिए अभी इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो छोटा वाला राउंड शेप है ये अंदर की तरफ जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से देख सकते हो। अब इसमें डालेंगे वॉशर। ये वॉशर है ये यहाँ लगेगा। अब उसमें जाएगा पाइप। अब पाइप के बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद इसे हम टाइट कर देंगे लगाकर। तो चलिए अब इसमें ऑयल डालते हैं शॉकर में। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे शॉकर में। ये शॉकर में ऑयल डालेंगे तो इसमें जाएगा 240 ml। सारी बाइक में अलग अलग ऑयल आता है। देखिए ये मेरे पास मग है ml का, इसमें 240 ml ऑयल है। तो चलिए अब इसमें डाल देता हूँ। 10W ऑयल है और 5W भी आता है, बट मैं 10W ज़्यादातर डालता हूँ, 5W बहुत ही कम डालता हूँ। ओके, ये फिलअप कर दिया है। देखिए इसमें से अंदर एयर निकल रही है तो सारी एयर निकलने देंगे, उसके बाद हम शॉकर को फिट करेंगे। इसे एक दो बार वर्क करा लेते हैं ताकि इसमें सारी जो एयर है वो निकल जाएगी। चलिए तो इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ये सारी एयर निकल जाएगी उसके बाद हम इसे फिट करेंगे। तो चलिए मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, 2 मिनट के बाद देखते हैं। चलिए तो अभी 2 मिनट हो चुकी है, तो अभी इसकी सारे एयर भी निकल चुकी है। हम इसके अंदर डालेंगे ये पाइप, उसके बाद ये वॉशर और ऊपर से ये इसकी नट लगा देंगे। अब ये नट को हम चढ़ाएंगे इस तरीके से। और इससे हम टाइट अब ये मैं इसकी मदद से इसे नट को टाइट कर लूँगा फुल, या तो फिर ऊपर फिट करूँगा तब टाइट कर लूँगा। इसे वर्क करा के देख लेते हैं एक दो बार। ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या कहीं से ऑयल वगैरह लीकेज नहीं है, तो ये हमारा शॉकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे फिट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली ये फिटिंग हो चुका है, आप देख सकते हो शॉकर फिट कर दिया है। ये ऊपर वाली एलिंकी को टाइट करके इसकी नट भी टाइट कर दी है। तो आपकी भी बाइक में अगर शॉकर लीकेज हो तो इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर शैलेश। थैंक यू वेरी मच।